सबको नमस्कार। गुजरात हाई कोर्ट का कल ऑर्डर आया कि देश के लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री जी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में जानकारी नहीं ले सकते। इससे पूरा देश एक तरह से स्तब्ध है, क्योंकि हम लोग जनतंत्र में रहते हैं और जनतंत्र के अंदर तो प्रश्न पूछने की और जानकारी मांगने की आज़ादी होनी चाहिए। किसी का भी कम पढ़ा लिखा कोई गुनाह नहीं है, किसी का भी अनपढ़ होना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। हमारे देश में इतनी गरीबी है, अपने घर की परिस्थितियों की वजह से, अपने घर की हालात की वजह से बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पाते, जिनको पूरी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। मैंने ये जानकारी क्यों मांगी? हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, इन 75 सालों में देश उतनी तरक्की नहीं कर पाया जितनी तरक्की करनी चाहिए थी। आज लोगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी है, लोग बहुत तेज़ी से तरक्की चाहते हैं। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, 21वीं सदी का भारत, 21वीं सदी का युवा बहुत एस्पिरेशनल है, वो बहुत तेज़ी से तरक्की चाहता है, रोज़गार चाहता है, महंगाई से छुटकारा चाहता है, वो चाहता है कि भारत तेज़ी से तरक्की करे। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। पर जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ऐसे बयान आते हैं जो देश को विचलित कर देते हैं, जैसे एक उनका बयान आया कि नाली में से जो गैस निकलती है उस गैस से चाय बनाई जा सकती है, मतलब उस गैस को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करके उससे चाय बनाई जा सकती है। कोई भी जानकार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी इस किस्म की बात नहीं करेगा। एक उनका बयान आया कि अगर किसी दिन बारिश हो रही है और बादल हैं तो बादलों के पीछे हवाई जहाज जो है उसको रडार नहीं पकड़ पाएगा। ये तो जिसने भी सुना उसे ही लगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। आर्मी के लोगों ने, फौज के लोगों ने, एयरफोर्स के लोगों ने, बच्चों ने, पढ़ने वाले बच्चों ने, युवाओं ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा अटपटा सा लगा। उससे ऐसे लगता है कि उनका विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में कितनी कम जानकारी है। कनाडा गए वो, कनाडा में उन्होंने कुछ वो कहने की कोशिश कर रहे थे, ए प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, लेकिन वो क्या कहना चाह रहे थे किसी को समझ नहीं आया। पूरी दुनिया उस टाइम प्रधानमंत्री जी को देख रही थी, पूरी दुनिया के सामने देशवासी एक तरह से बड़े एम्बेरसिंग फील कर रहे थे। एक और मैं देख रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं, बच्चों को वो बता रहे थे कि कैसे क्लाइमेट चेंज जो है वो ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है। अब क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक बहुत बड़ा सत्य है, ये पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया के अंदर इस पे खूब काम चल रहा है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, तो फिर तो उसके ऊपर हम एक्शन भी कैसे ले पाएंगे। और मैं देख रहा था उसमें जो बच्चे सुन रहे थे वो दबी जबान में हंस रहे थे। ऐसे में ये संदेह होता है और ये प्रश्न उठता है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे हैं। प्रधानमंत्री जी के कुछ वीडियो हमने देखे, एक भाषण में वो कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं गांव के स्कूल गया था, उससे ज्यादा मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई है। प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है? प्रधानमंत्री को एक ही दिनों में सैकड़ों फैसले लेने होते हैं, विज्ञान से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित। अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये अफसर आके, तरह तरह के किस्म किस्म के लोग आके उनको बहला के कहीं भी दस्तखत करवा के ले जाएंगे, कहीं भी कुछ भी पास करवा के ले जाएंगे। जैसे नोटबंदी हुआ,
नोटबंदी से देश को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। नोटबंदी से देश एक तरह से 10 साल पीछे चला गया, इतना ज्यादा नोटबंदी से पूरी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो कभी किसी हालत में नोटबंदी ना करते। जीएसटी लागू किया गया, जीएसटी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन जिस तरह से लागू किया गया इसने पूरी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। आज अगर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते तो जीएसटी ठीक से देश के अंदर लागू होता। किसानों के 3 काले कानून लागू किए गए, जिस तरह से वो कानून लाए गए बिना लोगों से पूछे, बिना बातचीत किए, ये समझ में नहीं आता कि किसने जाके प्रधानमंत्री जी के कान भरे और उन्होंने वो कानून पास कर दिया। अंत पंत में 1 साल के बाद वो 3 कानून वापस लेने पड़े। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति जाके प्रधानमंत्री जी को बेवकूफ बना सकता है अगर प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे नहीं होंगे। पिछले कुछ वर्षों के अंदर 60,000 स्कूल देश के अंदर बंद कर दिए गए। देश की आबादी एक तरफ बढ़ रही है, स्कूल तो बढ़ने चाहिए थे, लेकिन 60,000 स्कूल बंद कर दिए गए, इसका मतलब देश में शिक्षा को तवज्जो नहीं दी जा रही जो तवज्जो दी जानी चाहिए। एक अनपढ़ देश कैसे तरक्की करेगा? हाईकोर्ट के ऑर्डर ने प्रधानमंत्री जी की शिक्षा को लेकर जो संशय था वो और बढ़ा दिया है। इस बात का लोगों को जवाब नहीं मिल पाया कि प्रधानमंत्री जी कितने पढ़े लिखे हैं। कुछ डिग्री इधर उधर, एक दिन अमित शाह जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ वर्ष पहले डिग्री दिखाई थी। अगर डिग्री है और वो सही है तो डिग्री दिखाई क्यों, दी क्यों नहीं जा रही? गुजरात विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय डिग्री क्यों नहीं दे रहे, उनकी जानकारी क्यों नहीं दे रहे? तो लोगों के मन में 2 ही आंसर है क्यों नहीं दे रहे। एक ही हो सकता है, इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अहंकार है कि मैं क्यों दूं, मेरी डिग्री मांगने वाले ये कौन होते हैं, इनकी औकात क्या है। पर जनतंत्र के अंदर इस तरह के प्रश्न तो ठीक नहीं है, इस तरह का अहंकार तो ठीक नहीं है। अगर जनता मांगती है तो देनी चाहिए। और दूसरा प्रश्न जनता के मन में ये उठ रहा है कि डिग्री इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि डिग्री हो सकता है फर्जी हो, डिग्री हो सकता है नकली हो। तो ये जनता के मन में कल के ऑर्डर के बाद बहुत सारे अफवाहों का बाजार गर्म है, बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और ये नहीं समझ में आता कि अगर प्रधानमंत्री जी दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े, गुजरात विश्वविद्यालय से पढ़े, तो गुजरात विश्वविद्यालय को तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमारा लड़का जो है वह देश का प्रधानमंत्री बन गया। दिल्ली विश्वविद्यालय को तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि वो उनकी डिग्री को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज एक ही प्रश्न है मेरे सामने कि क्या 21वीं सदी के भारत के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए? डज इंडिया नीड एन एजुकेटेड PM? आप अगर कोई कंपनी चलाते हैं और अपनी कंपनी के लिए कोई मैनेजर हायर करते हैं तब भी उसमें लिखते हैं कि ही शुड बी MBA क्वालिफिकेशन लिखते हैं, तो क्या देश को चलाने वाले सबसे बड़े मैनेजर पढ़े लिखे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अगर आपके कोई प्रश्न है तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे देश के सामने अहम प्रश्न है। आज भारत बहुत जबरदस्त तरीके से तरक्की कर सकता है। 21वीं सदी का भारत, क्या 21वीं सदी के भारत के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ये प्रश्न है और ये एक बहुत अहम प्रश्न है।